अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मेरे पास जो बॉक्स है B501 ब्लैक गो 2 वाला है, 2.2 वाला है। तो इसको मैंने चलाया है 5 वोल्ट चार्जर पे। तो वो क्यों चलाया है पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा लें। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सिग्नल आईसी है, इसका ख़राब हो चुका है। तो मैंने 2-3 दफ़ा भी इसका सिग्नल आईसी चेंज किया है। और अगर इस साइड पे आप बात करें तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो इसको मैंने यूज़ किए 5 वोल्ट चार्जर की सप्लाई, जो कि कम से कम 1 से 1.5-2 एम्पेयर की होती है। तो इसके नीचे एक यहाँ पे रेगुलेटर लगा होता है 5 वोल्ट का, जो कि 12 से 5 वोल्ट करता है, वो मैंने हटा दिया है। तो मैंने ये क्यों किया है, किस वजह से किया है कि इसका जो सिग्नल आईसी था वो ख़राब था। सिग्नल आईसी चेंज करने के बाद भी नई सिग्नल आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये सप्लाई लगाई हुई है, लाइट भी उसकी चल रही है और एसी करंट से डीसी 5 वोल्ट आ रहा है। और अभी मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन पे बिल्कुल वीडियो इसकी ओके आ रही है और इसमें मैंने यूएसबी भी लगाई हुई है। तो अभी यूएसबी से मैं कोई चीज़ आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये जो हमने सप्लाई लगाई है ये कितनी पावरफुल है, इसको प्ले कर पाती है या नहीं है। अगर हमारी सप्लाई कम एम्पीयर की हुई तो रिसीवर ऑफ होके रिस्टार्ट हो जाएगा, अगर एम्पीयर इसके सही हुए तो ये बिल्कुल वीडियो चलेगी इसकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल वीडियो अच्छे से वर्क कर रही है। ये आप इस तरह सप्लाई लगा सकते हैं इसमें। तो ये सप्लाई मैंने इसीलिए लगाई है कि इसका जो मेन आईसी था वो सिग्नल आउट नहीं निकाल रहा था। सिग्नल आईसी भी मैंने चेंज किया, 2 चेंज किए 3 चेंज किए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। तो जब हमने यूएसबी चलानी थी तो तब मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई निकाल के 5 वोल्ट की लगाई है, क्योंकि हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें ज़रूरत थी रिसीवर ऑन करने की और उसके बाद फ्लैश यूएसबी चलाने की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।